लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे सब कहाँ जा रहे हो? अभी बैटिंग खत्म नहीं हुई है। यह है बैटिंग का अमाउंट। अगर मैं हार गया ना तो तुम्हें डबल अमाउंट दूंगा। कौन है रे बाप तू? एक हाफ साइज है, दूसरा डबल साइज है। तुम लोग फायर रिंग से मौत का खेल खेलोगे? खेलने के लिए साइज की जरूरत नहीं होती, जिगर में दम होना चाहिए। और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो अकेला ही काफी होता है। अच्छा कौन है वो? सही निशाना लगाने वाला वीर है, आवाज सुनकर शिकार करने वाला शिकारी, हार को जीत में बदलने वाला खिलाड़ी, बुरे वक्त में बचाने वाला रक्षक। ए, बिल्डअप बहुत हो गया, कौन है वो? ये ठीक है तो तुम लोग इसी पे दांव लगाओ, अगर जीता तो एक का चार दूंगा। मेरा 500, मेरा 500, मेरे को लगा 500। कम ऑन अर्जुन, 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 अर्जुन। पापा खाना लगाओ, पापा जोर की भूख लगी है, जल्दी लाइए। अरे मैं बहुत टेंशन में हूँ यार। टेंशन नहीं पापा, एक्सपेक्टेशंस। जैसे हिंदी फिल्म का फर्स्ट डे प्रीमियर शो देखना चाहिए, उसी तरह आपके हाथ का गर्मा गर्म खाना उठाकर मुंह में बैटिंग करनी चाहिए। ये क्या है पापा? तू बैटिंग करेगा तो बॉलिंग मुझे करनी पड़ेगी। हे भगवान, मुझे रोजाना ये खिलाकर क्यों परेशान कर रहे हो? सुबह देखो तो खिचड़ी, दोपहर में मिलता है दही चावल और रात को ये उबली हुई लिट्टी। हाय रे किस्मत। लिट्टी को क्या समझता है, इसमें विटामिन भरपूर होती है, इसको खाएगा तो बीमारी चली जाएगी। चुपचाप खा ले। आप तो सिर्फ डायलॉग मारो, लेकिन कभी अच्छा आइटम बनाकर खिलाओ मत। तू एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले
वही तुझे आकर अच्छा खाना खिलाएगी। क्यों पापा, मैं ही क्यों शादी करूं? आप शादी नहीं कर सकते क्या? छोड़ ना, अब इस उम्र में मुझे लड़की कौन देगा? अरे यार, अरे आप क्या हो, आपको नहीं पता है पापा, आपकी ये फिट बॉडी देखकर बाजू वाली डीना आंटी आपके बॉडी पे बोल्ड हो गई है। जब सुबह सुबह आप उठकर फ्रेश होने के लिए बाहर जाते हो तब वो अपने दरवाजे पर खड़ी होकर आपकी बॉडी को नहीं देखती है अपने तिरछी नजर से? वो किसी और की अमानत है बेटा, देखती कहीं है, दिखता कहीं और है। इसके बारे में ऐसी बातें मत कर बेटा। कुछ भी हो पापा, मुझे डाउट है। अरे देखो देखो, शर्मा गए पापा, आप शर्मा गए। कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। और बोला तो चम्मच उठा के मारो। ठीक है ठीक है, खा रहा हूँ पापा। कुछ कुछ होता है, मैं समझ रहा हूँ पापा, मैं समझ रहा हूँ। आंखों के सामने ऐसा नजारा हो, इतना खूबसूरत वेदर हो, दिल कर रहा है कि मैं भी किसी से प्यार के लिए ट्राई करूं। अबे ओए, प्यार कभी ट्राई मारने से नहीं मिलता है, वो तो अपने आप हो जाता है। तुझे क्या मालूम अंदर की बात? कौन सी बात? जूनियर राजा है ना? हाँ है ना। ऐसी जोरदार बारिश में छतरी पकड़कर जा रहा था, हवा से उसकी छतरी पीछे चली गई, तब एक खूबसूरत लड़की ने उसकी छतरी उसे लाकर दी। छतरी एक्सचेंज करने की गैप में हार्ट एक्सचेंज हो गया, वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। मैं तेरी बकवास को मान लूं क्या? अरे मैं बकवास नहीं कह रहा हूँ, आंखों देखा सच बता रहा हूँ। अरे तेरे सर की कसम यार। चल मैं मान लेता हूँ, मैं अपनी छतरी हवा में उछालता हूँ तो क्या मुझे भी लवर मिल जाएगी? देर किस बात की, उछाल दे। अरे यार काली छतरी क्या दे रहा है, कलरफुल छतरी देना। अरे गर्लफ्रेंड मिलने के बाद तुझे छतरी क्या, काला कौवा भी रंगीन दिखाई देगा। ये छतरी। चल ठीक है, देखते हैं। चल उछाल दे, चल उछाल। नहीं मिली ना? बिल्कुल यार। लवर तुझे मिली इसने छतरी छोड़ी थी या मुझे मिलने के लिए छोड़ी थी? मुझे नहीं चाहिए भाई। एक्सक्यूज मी, ये छतरी आपकी है? हाँ मेरा है, हाइट 6 feet, गेहुआ रंग, ऑल पार्ट्स फाइन, हार्ट भी क्लीन है। हमारे दोस्त से प्यार करोगी क्या? जो लड़की छतरी ला कर देगी वो इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, ऐसी हमने शर्त लगाई थी। शर्त लगाने से किसी से प्यार नहीं हो जाता, प्यार अपने आप ही होता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या है जी? यहाँ मैंने अपना मोबाइल रखा था, तुमने देखा है क्या? आप चिल्लाकर क्यों बोल रहे हैं? अरे तुमसे तो कुछ पूछना ही बेकार है, तुमने फोन देखा क्या? मुझे क्या पता, यहीं कहीं होगा, ढूंढ लीजिए। बेकार की बातों में वक्त जाया मत करो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुमने मेरा फोन कहीं देखा है क्या, प्लीज? हाँ जी, मैं कुछ भी बोलूँ तो आपको अनाप शनाप ही लगता है। आपको दोष देकर क्या फायदा, आपको पसंद करने वाले मेरे पिताजी ही थे ना, उन्हीं का दोष है। मेरी बात सुन, हर छोटी छोटी बात पर शादी तक मत पहुंचा करो। तुमसे शादी करने के लिए मैं कोई अनशन पर नहीं बैठा था, मेरे पापा ने कहा और मैंने बात मानकर शादी कर ली और अब मैं भुगत रहा हूँ। आप क्या भुगत रहे हैं? कुछ नहीं, जो कुछ भुगत रही हूँ मैं। आपसे शादी करने के बजाय किसी से प्यार करके मैं शादी कर लेती तो लाइफ अच्छी होती, यहाँ मेरा जीना हराम हो गया है। तो फिर ऐसा ही क्यों नहीं कर लिया, मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? देखिए, मैं भी यही सोचा था कि आप दोनों का रोज का हो क्या है, अब बताइए क्या हुआ? अरे देखो ना बेटा, मैं इससे अपना फोन पूछ रहा हूँ और ये है कि वो यहाँ है। ए इधर आ, तूने फोन क्यों लिया था? बोर हो रहा था इसलिए, गेम खेलने के लिए। तू भी ना, तेरी वजह से यहाँ महाभारत हो जाता, चल जा खेल। ये मेरे फोन से खेल रहा है और तुम्हें खबर तक नहीं है? मुझे क्या सपना आया था कि फोन इसी ने लिया है? फोन मिल गया ना, अब चुप हो जाइए। बाय बेटा, किस्मत फूट गई मेरी। आपकी नहीं, मेरी किस्मत फूटी है। अरे
गॉड, आई एम टू टायर्ड यार। मेरी चेन कहाँ गिर गई? नंदू क्या हुआ? मेरी चेन खो गई है यार। सुबह तो थी ना? हाँ वही, अब नहीं मिल रही। चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। हाँ, चलो हाँ, चलो यहाँ पर देखो, दूसरी तरफ देखा। मिली क्या? अरे नंदू उसके लिए क्यों इतनी दुखी हो रही है? दूसरी चेन ले लेंगे ना, एक चेन के लिए इतना क्यों रो रही है? वो खो गई तो दूसरी दिलाने के लिए। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी माँ का दिया हुआ वो एक आखिरी गिफ्ट मेरे पास था, उसी में मैं अपनी माँ की यादों को समेट कर रखती थी, और आज उसे ही मैंने खो दिया, इसलिए बहुत दुख हो रहा है। सॉरी यार नंदू, अनजाने में मैंने क्या कुछ बोल दिया। हम एक काम करते हैं, प्रिंसिपल के पास जाकर कंप्लेंट करते हैं। ठीक है। तुम्हारा चेन यही है क्या? हाँ सर यही है। ये लो। थैंक यू सर। थैंक्स का हकदार मैं नहीं बेटा, कोई और है, साइंस स्टूडेंट अर्जुन है, उसे ये कैंपस में पढ़ा मिला था, वही मुझे दिया। अरे यार तुझे दानवीर कर्ण बनने का क्या शौक है? इतनी महंगी चेन मिली थी, तूने जाके प्रिंसिपल को दे दी। हा? तो रात में फुल पार्टी मनाते थे। अच्छा तेरी तो अपनी पर्सनालिटी देख पार्टी करेगा। एक्सक्यूज मी, अरे आप? हाँ मैं ही हूँ, बोलिए ना क्या काम है? यहाँ साइंस स्टूडेंट अर्जुन कौन है? मैं ही हूँ। थैंक्स। क्यों? मेरी खोई हुई चेन आपकी वजह से वापस मिली, इसलिए। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए थैंक्स। आजकल के लड़कों को कोई भी चीज मिलती है तो वो उसे बेचकर पहले पार्टी करते हैं, और वैसे आपने सिर्फ मेरी चेन ही नहीं लौटाई है बल्कि मेरी माँ की यादें भी। चलती हूँ, बाय। चिंटू अब तक सोया नहीं, क्या कर रहा है? दिखाई नहीं देता, टीवी देख रहा हूँ। दिन भर टीवी तो देखता रहता है। नंदू मुझे एक डाउट है। क्या है तेरा डाउट? जरा बताओ, हम सब लोग आराम से दूध पीते हैं, फिर फिल्मों में हीरो के रूम में हीरोइन रात भर दूध पिलाने के लिए इंतजार क्यों करती है? सुन तू पहले 21 साल का हो जा, फिर अपने आप समझ जाएगा। अब ज्यादा बोल मत, चुपचाप सो जा। हाँ तुम्हारी उम्र तो मेरे उम्र से ज्यादा है ना, तुम्हें अगर सब कुछ पता होगा तो बताओ। तो चुपचाप सोता है या नहीं, या पापा को बुलाओ? ओहो, पापा को क्यों बुलाती हो? तुम्हें पता हो तो बताओ, नहीं तो मैं पता लगा कर तुम्हें बताता हूँ। दिन ब दिन ना बदतमीज होता जा रहा है, मुंह बंद करो, सो जा। नहीं सोना। भाई साहब। क्या बात है भाई? एक रुपया दो ना भाई, आपका नाम लेके पेट भर के खाऊंगा। एक नहीं 10 दूंगा। तू मुझे ये बता कि 10 रुपए में कहाँ भर पेट खाना मिलता है? आप बहुत अच्छे हैं भाई, सिर्फ 1 रुपया मांगा था लेकिन आप 10 रुपए दे रहे हैं। जो बुरे लोग होते हैं मुंह घुमा के चले जाते हैं। तुझे इज्जत का माने पता है क्या? जिनके हाथ पैर सही होते हैं मेहनत करके खाते हैं, तेरी तरह भीख नहीं मांगते। इज्जत की परवाह है इसीलिए तो भीख मांग रहा हूं। तो क्या करता? चोरी करके खाता। क्या बात है रंगप्पा जी, सुबह सुबह काम छोड़कर गप्पे क्यों लगा रहे हो? आप मालिक है क्या? इतनी देर से मैं लेबर से बात करके अपना टाइम बर्बाद कर दिया। अरे ओनर मैं नहीं हूँ भाई साहब, यही है मेरे पापा। ठीक है ठीक है, मुझे पैसे दो। किस लिए बेटा? आज संडे है पापा, मुझे शॉपिंग करनी है। ए, हर हफ्ते शॉपिंग करता है, यहाँ पैसों का पेड़ लगाया है क्या? पेड़ क्या, यहाँ तो पैसों का पूरा जंगल है। चलो चलो पापा, पैसे निकालो जल्दी, पैसे निकालो। चल जा, खुश रह। ये ले 100 रुपए में जो मिले जाके खरीद ले। पापा 100 रुपए में शर्ट और जींस लेने का तो छोड़ ही दीजिए, अंदर पहनने वाली चड्डी तक नहीं मिलेगी। ये ले प्यारे, जा तू ऐश कर, जा जा, चल भाग भाग। रुकिए पापा, आज आपके नाम से उसको दम बिरयानी खा लेने दो। अच्छा खैर छोड़िए, टाइम हो रहा है, मुझे अपना एटीएम कार्ड। पहले ही कार्ड देता तो 100 रुपए बचाते मेरे। अच्छा ये ले, संभाल के हैं पापा। संभालने का तो कोई सीन ही नहीं है, जब मैं निकाल लूंगा ना उसके बाद खुद ही देख लेना। अब चलो। देखा ना, अपने बाप को ही चूना लगा के चल दिया। वेटर जी सर, एक कॉफी लाना। ओके सर। फिर क्या हुआ? कौन तेरा बॉयफ्रेंड? एक्सक्यूज मी। यस मैडम। वन कॉफी प्लीज। ओके मैडम। एक मिनट। यस मैडम। वॉशरूम कहाँ पर है? उस तरफ। थैंक यू। हाँ और? नहीं यार मेरा कुछ नहीं, तू बता। सर कॉफी। थैंक यू। हे, हे,
अरे रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, कुछ अरे नहीं। मेरा बच्चा। ये आपका बच्चा है? जी हाँ सर। पकड़िए। घर से बाहर निकलने के बाद बच्चे साथ में लाते हो तो उसका ध्यान रखा करो, अगर ये पानी में गिर जाता तो। सॉरी सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ ठीक है ठीक है, जाइए। थैंक यू सर। कमाल है, कैसे माँ बाप है पता नहीं। Excuse me? अरे आप? मैडम कॉफी। हाँ तो फिर ये? वो ये मेरी पी हुई कॉफी है। I'm sorry, मुझे पता नहीं था। अरे अरे अरे, इतनी छोटी सी बात के लिए सॉरी की क्या जरूरत है? देखने से ही पता चलता है तुम दोनों लवर्स हो। लवर्स होने के बाद शेयरिंग केयरिंग सब मामूली बातें हैं, इसके लिए इतना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? कंटिन्यू कंटिन्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, देश को एक प्रधानमंत्री, राज्य को एक मुख्यमंत्री, गांव में एक जनता का प्रतिनिधि, उसी तरह कॉलेज में एक लीडर बहुत अहम होता है। और पिछले 2 सालों से लीडरशिप का खिताब जिस स्टूडेंट के पास है, उस लीडर का नाम है विकास। आज तक विकास के सामने जीतना तो दूर, उसके सामने खड़ा रहने के लिए भी कोई आगे नहीं आया। विकास के ऑपोजिट अगर कोई छात्र इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे अपना नाम 3 दिनों के अंदर इंटर करवाना होगा, उसके बाद ही इलेक्शन का डेट अनाउंस किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, देश को बर्बाद करने वाले राज्य के करप्टेड पॉलिटिशियंस हैं। गली में गुंडे होते हैं, फिल्म में विलन होता है, वैसे ही कॉलेज में भी एक बदमाश है, और वो बदमाश कोई और नहीं, विकास अलियास विक्की। अरे आहिस्ता बोल, अगर विकास को पता चला तो वो तेरी लाइफ का दुशासन बन जाएगा। और तुम्हें बचाने के लिए इस कॉलेज में कभी कोई श्री कृष्ण नहीं आने वाला मोहतरमा। क्यों नहीं है? हमारा अर्जुन अगर चाहे नहीं तो... चाहूंगा। द्रौपदी चीरहरण के स्टोरी में आया था श्री कृष्ण, ये अर्जुन नहीं। चलता हूँ। अरे अर्जुन तो भाई, तू विकास के अपोजिट इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ा हो जाता? पहले तो वो बड़े बाप का है, उसके सामने किसी की भी नहीं चलती, फिर क्यों मैं ये सब झमेले में पड़ूं भाई। पिछले 2 सालों से विकास ही स्टूडेंट्स का लीडर है, लेकिन आज तक उसने कोई भलाई का काम नहीं किया। काम करना तो छोड़ो, कॉलेज भी कभी आता है क्या? कॉलेज आ भी गया तो क्लास में नहीं आता, सिर्फ अपना ही चलाता है, बवंडर जैसा आता है, सुनामी जैसा चला जाता है। बवंडर से टकराने के लिए सुनामी की जरूरत होती है। डियर स्टूडेंट, इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जो समय दिया गया था उसमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम बचा है। अगर इसके भीतर कोई अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है तो यहाँ आकर करवा सकता है। अगर कोई नहीं आया तो हर साल की तरह विकास ही इस बार का लीडर होगा, यह अनाउंस करना पड़ेगा। ये तो सही, क्या पता कौन सा भी अपना नाम सोचना पड़ेगा। लास्ट 1 मिनट रिमेनिंग। देखो यार कौन आगे जाता है, मुझे तो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है यार, शांति से। सर क्या है बेटी, तुम विकास के खिलाफ खड़ा होना चाहती हो? मैं नहीं सर, अर्जुन। वेरी गुड अर्जुन, कम ऑन। अरे लेकिन मैं कैसे खड़ा रह सकता हूँ? नहीं नहीं, अरे क्यों चिल्ला रहे हो यार, मुझे नहीं खड़ा होना है। अरे अरे कम ऑन यार प्लीज रवि, अरे तुम इन लोगों को समझाओ यार, क्या कर रहे हो? वेरी गुड अर्जुन, कम ऑन साइन करो, ये लो। All the best. Thank you, sir. Vikki, वो जो अर्जुन है ना, तेरे खिलाफ इलेक्शन में वो खड़ा होने वाला है। विकास, मेरे प्यारे दोस्त मुझे प्यार से विकी बुलाते हैं, और बाकी सारे मेरा नाम तक लेने से डर जाते हैं। तुम्हारा इंट्रोडक्शन वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत खुश हुआ। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही नहीं, मेरा इमेज भी जानदार है। तुम्हारे इमेज को कैसे डैमेज करना है मैं जानता हूँ। जान गंवाने से पहले कॉलेज इलेक्शन से अपना नाम वापस ले ले। मैं तूफान में घुसना ही जानता हूँ। Hey!
अगर तू अच्छे तरीके से कहता कि नॉमिनेशन से अपना नाम वापस ले ले तो मैं बिना रिप्लाई दिए अपना नाम वापस ले लेता। लेकिन तूने मुझे धमका कर बहुत बड़ी गलती की। गर्लफ्रेंड को हाथ देता हूँ, फ्रेंडशिप में साथ देता हूँ और पेरेंट्स को जुबान देता हूँ, और तुम जैसों को उखाड़ने के लिए एक चांस देता हूँ। उखाड़ ले। ये किसने ऑर्डर किया? मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं किया। क्यों, आश्चर्य हो रहा है क्या? ऑर्डर करने से पहले ही नाश्ता टेबल पर आ गया, यही सोच रहे हो क्या? देखो, इलेक्शन खत्म होने तक यहाँ कोई कुछ भी खाएगा उसका बिल जो है मैं भरूंगा, ऐसा विकास ने कहा है। एक प्लेट पूरी दे। मुझे इडली वड़ा, 1 आइसक्रीम विद फ्रूट सलाद। किसी फिल्म स्टार की फिल्म लगी है क्या जो इतनी बड़ी क्यू लगी है? वो विकास है ना, सब लोग उसे वोट दे इसलिए सारे स्टूडेंट्स को वो 1 महीने का बस पास फ्री में बांट रहा है। पता नहीं पर क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन तो वही जीतने वाला है। तुम कुछ भी कहो, आज के लोग न्यू टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज कर रहे हैं। कैसे? सीरियल ना देखने वाली कोई औरत नहीं, डायपर ना यूज करने वाला कोई बच्चा नहीं, सेलफोन ना यूज करने वाला कोई हाथ नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो तो, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। सबके हाथ में स्मार्टफोन कैसे आया तुझको पता है क्या? कैसे? इलेक्शन में खुद जीतने के लिए उस विकास ने सबको स्मार्टफोन्स गिफ्ट किया है। वो विकास हद से ज्यादा खर्च कर रहा है यार, अगर कोई पार्टी उसको टिकट देती है तो वो पक्का सीएम या पीएम बन जाएगा। अर्जुन, तुम कुछ करोगे ये सोचकर तुम्हारा नाम दिया था, लेकिन तुम तो ऐसे बिहेव करे जैसे इस इलेक्शन से तुम्हारा कोई नाता ही नहीं। तुम भी कोई गिफ्ट दे दो ना। ये हंसा क्यों? डियर स्टूडेंट, 2017-18 के कॉलेज के चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और उसके पहले राउंड के काउंटिंग के हिसाब से विकास आगे चल रहे हैं। और अब दूसरे राउंड की गिनती पूरी होने के बाद भी विकास ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। तीसरी और आखिरी राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। अब कुछ ही पल में इस साल के इस चुनाव में कौन जीता है ये आप सबके सामने आ जाएगा। इस साल के चुनाव में 2020 वोटों के अंतर से अर्जुन ने चुनाव जीत लिया है। कैसे हुआ ये? क्यों कंफ्यूज हो रहा है क्या? तूने सबके हाथ में स्मार्टफोन तो दे दिया और मैंने सारे फोन्स में स्मार्ट मैसेज भेज दिया। कैसा मैसेज? डियर फ्रेंड्स, आजकल चंद पैसों के लालच में या शराब के लालच में अनपढ़ गवार गुंडे लोगों को हम जैसे पढ़े लिखे लोग वोट देकर जिता देते हैं। बाद में महसूस होता है कि विकास जैसों को वोट देकर हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसलिए सही इंसान को वोट देकर अपना फ्यूचर उजागर कीजिए, बाकी आपको डिसाइड करना है। ये मैसेज भेजा था मैंने। चलता हूं। गुरु, मुझे कुछ पता चला, सारे स्टूडेंट्स ने बस पास, कैंटीन कूपन, सारे मोबाइल सब वापस कर दिए। हेलो, ऐसे क्या देख रहा है? तुम इतनी सज धज कर घर से बाहर जाओगी तो तुम्हें देखने वाले छोड़ेंगे क्या? ए पागल, तू ना सब कुछ बहुत फास्ट सीख रहा है। कुछ कहती हो तो लॉस्ट कहती हो, कुछ कहता हूँ तो फास्ट कहती हो। हाँ, अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजीब लक्षण दिख रहे हैं, बताओ क्या बात है?
वो छोड़ी ना गुरुजी, ये बताइए कि मैं कैसी दिख रही हूँ? आज तो तुम बिल्कुल गुड़िया लग रही हो। सच में? हाँ। थैंक यू, चलती हूँ। बाय। कोई भी जज नहीं रहा है यार। आहा, लग रहा हूँ ना हीरो जैसा। तो कॉलेज जा रहा है या लड़की पसंद करने हैं? अरे यार, बहुत लेट हो गया। पापा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। रुक जरा। क्या है पापा? क्या बात है, इतनी अर्जेंसी में क्यों है? पापा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ इसलिए बहुत अर्जेंसी है। मुझे भी अर्जेंट में गाड़ी डिलीवरी देनी है, जाते जाते मुझे वर्कशॉप में ड्रॉप कर दे। ओहो, जल्दी रेडी हो जाओ पापा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चलिए ना। अरे बाप। ओ जल्दी चलिए पापा, मुझे लेट हो रहा है। चलिए। इतना अर्जेंट क्या? अरे चुप रहिए पापा, आप नहीं समझोगे। कहाँ जा रहा है पापा? आज ना मेरी स्पेशल क्लास है। ओहो, किसकी? शर्ट पहनिए जल्दी। हाँ, अरे रहने दे। अरे रहने दीजिए पापा, जल्दी पहुँचना है। ठीक है, रेडी हो गए, अब चलिए। हाँ ठीक है, आइए। है अब क्या पापा? ऐसे जाऊंगा? अरे आप भी ना। अरे अरे अरे, ए पापा उतरिए जल्दी, चलो। ए, आज तो तू हवा की तरह उड़ रहा है। कहा था ना पापा स्पेशल क्लास है, आपने सुना नहीं? ए, 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 अरे चाबी तो ले जा। कैसा लड़का है। मेरा छोड़ा हुआ तीर और निशाना कभी गलत नहीं होता। गलत किया उस अर्जुन ने, इस विकास से पंगा लेकर गलत किया। इन सब की वजह वो नंदिनी है। नंदिनी ने उसे इलेक्शन में खड़ा किया, उसकी वजह से अर्जुन जीत भी गया। अब से तेरा टारगेट नंदिनी है, वो नंदिनी ना कि अर्जुन। नहीं छोड़ूंगा उन दोनों को। अर्जुन, किसी से जब प्यार हो जाए तो इंसान को दिन रात कुछ समझ नहीं आता। जी चाहता है कि हम बस हमेशा प्यार में ही खोए रहे। सच में नंदू, प्यार करने के बाद जिंदगी कलरफुल हो जाती है, ये मैंने सुना था। लेकिन आज उस कलर को मैं एंजॉय कर रहा हूँ नंदू। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? सभी लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड से बस हमेशा ये सड़ा हुआ डायलॉग्स ही पूछती हैं। ठीक है फिर मत बताओ। पता है मेरा एक सपना है। क्या है? कि हम दोनों रोमियो जूलियट सलीम अनारकली लैला मजनू के जैसे ग्रेट लवर्स बने। लो, अरे तुमसे किसने कह दिया कि वो बहुत बड़े ग्रेट लवर्स हैं? देखो, दो प्यार करने वालों को खुशियों की एक मिसाल बनकर रहनी चाहिए, ना कि वो इतिहास बनकर रह जाए। तुमने जिनका नाम लिया उनकी जिंदगी में ट्रेजेडी के सिवा किसी ने भी प्यार को जीता नहीं है। कुछ कुछ ने तो प्यार के लिए अपनी जान दे दी और कुछ ने तो अपने प्यार का ही त्याग कर दिया। प्यार को जीतने की हिम्मत हो तभी प्यार करना चाहिए, या फिर प्यार ही नहीं करना चाहिए। जानती हो रविचंद्र ने क्या कहा था? प्यार नहीं करना चाहिए, किया है तो जमाने से डरना नहीं चाहिए। आई हेट ट्रेजेडी लव स्टोरी। प्यार में जमाने से टकरा कर दुनिया में एक मिसाल कायम करनी चाहिए। अर्जुन, क्या है ये सब? क्यों सर, आपको कुछ भी नहीं पता है क्या? एजुकेशन सिस्टम का पूरी तरह बिजनेस बनाकर स्टूडेंट से डोनेशन लेकर हम ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा झूठा वादा करके फैसिलिटी के नाम पर लाखों रुपए डोनेशन लेकर बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाना काफी नहीं है, फैसिलिटीज देना भी बहुत जरूरी है। किस जमाने के हैं हमारे लैब के सारे इक्विपमेंट्स? लैब को तुरंत अपग्रेड कीजिए। हम कब तक पुराने इक्विपमेंट्स और पुरानी टेक्नोलॉजी को फॉलो करते रहेंगे? आज जो हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अर्जुन, मुझे ये सब बातें बताने का कोई फायदा नहीं बेटा, कॉलेज के ओनर से बात करो। कॉलेज ओनर को भी मैं बताऊंगा सर। स्टूडेंट से पैसा लेकर बंगला बांधकर एसी रूम में बैठना ही काफी नहीं है। हर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के दिल में क्या है उसे भी जानना बहुत जरूरी होता है सर। हर स्टूडेंट्स के माँ बाप दिन रात एक करके चार पैसे कमाकर अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने भेजते हैं। हमारे पीछे वो सैकड़ों सपने लेकर जी रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन है सर? सिर्फ तुम्हारे बोलने से एक्शन लेना मुमकिन नहीं है। आप एक्शन लो या ना लो, लेकिन मेरा रिएक्शन यही रहेगा सर। जिन्होंने मुझे जिताया है उनका ख्याल रखे बिना चार दीवारी के अंदर कंबल ओढ़कर सोने वाला खुदगर्ज पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं मैं, स्टूडेंट।
स्टूडेंट लीडर, मैनेजमेंट और इसका फाउंडर कौन कौन है, उन सबको एक घंटे के अंदर यहाँ बुलाइए, नहीं तो We want justice. 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 We want मीडिया को फोन करो, पर फिर ये लोग जो चिल्लम पुकार कर रहे हैं उससे मैनेजमेंट बौखला जाएगा, और इस वक्त मीडिया आ जाए तो ये लफड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर मीडिया इस कॉलेज की रेपुटेशन खराब कर देगी, और इतना सब हो जाने के बाद वो लोग इसे लात मार कर निकाल देंगे, और उसके बाद मैं ही इस कॉलेज का किंग रहूंगा। मैं ही हूँ सर अर्जुन। स्टूडेंट लीडर बनकर तुम खुद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समझने लगे हो? एक कॉलेज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कराने के लिए कितना खर्च होता है तुम्हें पता है? माफ करना सर, आप फ्री में तो इस कॉलेज को नहीं चला रहे हो, और ना ही हम यहाँ पर फोकट में पढ़ाई कर रहे हैं। टीवी में, पेपर में आप लोग एडमिशन के लिए दिन रात एडवर्टाइज देकर साथ में घर घर पैम्पलेट बांट कर डोनेशन के रूप में हमारे पेरेंट्स से लाखों रुपया ले लेते हो, और उसके बाद कॉलेज के मैनेजमेंट पर ध्यान भी नहीं देते हो। बातें मीडिया तक पहुंच गई तो इस कॉलेज का क्या होगा आप जानते भी हैं? हड़ी 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 सर, लेक्चरर और स्टूडेंट के बीच लव स्टोरी हुई क्या? स्टूडेंट्स यहाँ गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, इस सब की वजह क्या है सर? देखिए अननेसेसरी ये बातें करके कोई फायदा नहीं होगा। प्रिंसिपल का मतलब घर के हेड की तरह होता है, लेक्चरर्स हमारे माँ बाप की तरह हैं, और स्टूडेंट्स उनके बच्चों की तरह हैं। कुल मिलाकर ये विद्या संस्था एक परिवार की तरह है। परिवार में तो छोटी मोटी बातें बस होती ही रहती हैं। ये हमारी फैमिली प्रॉब्लम है, इसे हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ आए इसके लिए हमारे कॉलेज की तरफ से आपको थैंक्स। भगवान के लिए आप जाइए प्लीज, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। थैंक यू। अर्जुन सर, मैं तुम्हें अब तक गलत समझ रहा था। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लीडर होने के नाते और इस कॉलेज के एक स्टूडेंट होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तुमने इस कॉलेज की इज्जत को बट्टा लगने से बचा लिया है। तुम्हारे जैसा जिम्मेदार स्टूडेंट इस कॉलेज में है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमने इस कॉलेज के लिए अभी तक बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन अब समय आ गया है कि कुछ किया जाए। आज इसी वक्त लैब को रिनोवेट करने के लिए मैं फंड रिलीज करता हूँ, एंड दिस इज माई प्रॉमिस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करने का मकसद ये है कि जैसा आप लोग जानते हैं, हमारे इस कॉलेज को शुरू हुए पूरे 50 साल हो गए हैं, इसलिए इस साल इस कॉलेज डे का सेलिब्रेशन ग्रैंड तरीके से मनाने का फैसला मैनेजमेंट ने किया है, और उसके लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। अर्जुन सर, इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए तुम्हारा सहयोग सबसे ज्यादा चाहिए। श्योर सर। वैसे अर्जुन, इस साल के प्रोग्राम में रोमियो जूलियट का नाटक करो या इसे गाने के रूप में दर्शाओ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है सर। मेरी पहचान के एक रंगकर्मी है, उन्हें बुला लेता हूँ, उनकी हेल्प मिल जाए तो प्रोग्राम जरूर सक्सेस हो जाएगा। वो कौन है सर? ठीक से एक्टिंग भी नहीं कर पाता, चलाया एक्टिंग करने। ए, अरे तू समझता क्या है अपने आप को? अरे एक्टिंग कर रहे हैं तो लोगों को ये कहना चाहिए कि वाह क्या एक्टिंग की है, कमाल कर दिया, एक्टिंग करेगा, चल भाग, जाके कहीं गायब है, चरा जा। डॉक्टर राजकुमार जी की, डॉक्टर राजकुमार जी की, डॉक्टर राजकुमार जी की। ये हाथ हिंदुस्तान की दौलत है, ये पांचों उंगलियां 5 करोड़ हिंदुस्तानियों के बराबर है, मुट्ठी बांध कर मुक्का मार दूं तो सांस लेने की हिम्मत नहीं बचती इंसान में। अरे ये तो हमारा विष्णु वर्धन है यार। एक्टर बनेगा? तेरे जैसे एक्टर की वजह से हमारे जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को फिल्म इंडस्ट्री काम नहीं देती है। अभी दिखाता हूँ कला क्या होती है। सुन, जब कला अपने चरम पर होती है तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता। ये है शंकर जी का स्टाइल। कौन?
सुपर कॉमेडी हो रही है। मैं कोई कॉमेडी पीस नहीं हूँ, मास्टरपीस हूँ। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? सारी खिचड़ी मेरे घर में पकती है, इसलिए मुझे नहीं पता कौन सी फिल्म बन रही है। मैं आज तक खुद को नहीं समझ पाया कि मैं क्या हूँ। बड़े बड़े सुपरस्टार्स को सिखाया कि एक्टिंग कैसे करते हैं, एक्टर्स को बताया कि पागल के कैरेक्टर में कैसे घुसा जाता है। जब सुपरस्टार्स फंस जाते हैं तो मेरे पास सीखने आते हैं, सिर्फ मेरे पास, और मेरे पास आकर मेरा पैर पकड़ कर बोलते हैं, गुरु जी एक्टिंग सिखा दीजिए। एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ना पड़ता मतलब है। मतलब ज्ञान देनी होगी? अरे नहीं नहीं, मतलब ऐसा महसूस करना पड़ता है। अरे बस कर और आगे बोल। यस, मैं यहाँ पर रोमियो और जूलियट को तुम सबको नृत्य नाटिका के रूप में सिखाने के लिए आया हुआ हूँ। ओके, आज से ही प्रैक्टिस शुरू। जो रोशनी इन आंसुओं की बूंदों में है, वो सागर से निकलने वाले मोतियों में भी नहीं है। ये आखिरी है। दोबारा कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सिर्फ तुम्हारा परिवार ही नहीं, पूरा संसार ही क्यों ना आ जाए और हमारे प्यार के खिलाफ हो जाए, तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। सचमुच की रोमियो जूलियट ने भी इतना गहरा प्यार नहीं किया होगा, है ना सर? सर हाँ? भाई ये दोनों एक दूसरे में जिस तरह से खोए हुए हैं, लगता है सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगेगा। कोई आवाज नहीं करेगा, सब लोग उठ करके बाहर जाओ। चलो 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 चलो, आ जाओ आराम से चलो। नंदू सॉरी, वो मैं होश में नहीं था। नंदू बस तुम भी ना। आज तुमने सब्जी में नमक कम डाला है। हाँ, गलती ढूंढने वालों को छाछ में भी कंकड़ मिलेंगे। जब देखो तब मेरे खाने में नुक्स निकालते रहते हो। एक दिन भी कभी प्यार से बात की है? हे भगवान, मैं कुछ भी बोलूं तुम उसका गलत मतलब ही निकालती रहती हो। मैं नहीं निकाल रही, आप निकाल रहे हो। जब देखो तब मेरी गलतियां ढूंढकर आप ताने मारते हो। जवान बहन अभी तक घर नहीं आई है, उसके बारे में आपको जरा भी फिक्र है? मेरी बहन कहीं भी रहे, कुछ भी करे, वो सेफ ही रहेगी। आपकी बहन शरीफ है ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन इस जमाने में लड़कों की नज़र सही नहीं है। लड़कियां शराफत से रहें तो लड़कों की नज़र भी सही हो जाती है। तुम खाना खाओ, जब देखो तब बड़बड़ करते रहती है। वो देखो नंदू। नंदू लेट क्यों हुआ बेटी? कॉलेज में ड्रामा की प्रैक्टिस थी। सुन लिया, कॉलेज में ड्रामा प्रैक्टिस था इसलिए इसे लेट हो गया। तू भी ना। नंदू जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और आकर खाना खा लो। ठीक है भैया। नंदू, ओ इधर हो। नंदू उठो ना, इतनी जल्दी क्यों सो गई? उठो ना। अरे यार, नंदू अरे ये जाना यहाँ से, मुझे तुमसे बात करनी है, उठो। कहा ना मुझे डिस्टर्ब मत कर। ऐसा क्या? ए, तुम्हारे होठों को किसने काटा? चिंटू तू अपना मुंह बंद रख यार, तेरे हाथ जोड़ती हूँ मैं। होठों को किसने काटा? वो चींटी ने। ये तो चींटी ने काटे जैसा नहीं लग रहा है। अरे मेरे बाप, चुप हो जा, सवाल पे सवाल मत कर, तेरे आगे हाथ जोड़ती मैं, सो जा। हो ना हो, कुछ तो छुपाया जरूर जा रहा है। ए पागल, सो जा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। नंदू कहाँ है? हाँ, वो होठ कटवा कर सो रही है। क्या? कह रही थी चींटी ने काटा है। ठीक है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तुम जाओ। बाय पापा। बाय माँ। बाय।
मैं सबके सामने कैसे जाऊं? मेरी तो पोल ही खुल जाएगी। नंदो, हाँ? तुम इतनी उदास क्यों? वो भैया। मैं जानता हूँ मेरी बहन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। बताओ मुझे, हाय नंदू। अर्जुन तुम कहाँ हो? नंदू क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही हो? नंदू 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 क्या हुआ? नंदू कुछ तो बोलो। नंदू नंदू मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ? नंदू नंदू क्या है ये सब? तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मैंने रोने का नाटक किया था। अरे कोई इस तरह टेंशन देता है क्या नंदू? तो और क्या, मेरा चाहने वाला मुझे कितना चाहता है इसका टेस्ट तो करना पड़ेगा। ओ, ना तो ये टेस्ट था। मैं टेस्ट कराऊं? हे अरे रुको ना, कहाँ भाग रही हो? नंदो नंदो हे क्यों भाग रही हो? नंदो रुको तो, नंदो प्लीज, हे नंदो हे। भैया यही है अर्जुन। रुक जा, जो नहीं करना चाहिए था वो कर लिया, अब जा रहे हो? नहीं सर, मैं तो बहुत ही शरीफ लड़का हूँ, रिसेंटली मैंने डिसेंटली बिहेव करना सीखा है। हाँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन से प्यार करता है? सर आप पुलिस ऑफिसर हैं? नहीं। तो बड़े गुंडे हो क्या? नहीं। इन केस अगर है भी तो आपकी बहन को, आई मीन मेरे प्यार को प्यार करने की हिम्मत है मुझ में। घर में कौन है कौन नहीं इसकी परवाह किए बिना तुम घर में घुस आए, मतलब तुम हिम्मत वाले हो। थैंक यू। सिर्फ हिम्मत ही काफी होती है प्यार करने के लिए? सिर्फ प्यार ही नहीं सर, शादी करके संसार बसाऊंगा अगर आप हाँ कह दे तो। मैं हाँ ना कहूँ तो? आप ऐसा नहीं करोगे ये मुझे पता है। बचपन से ही मेरी बहन ने आज तक जो कुछ भी मुझसे मांगा है मैं उसे लाकर देता रहा हूँ। आज तुम्हें मांगा है तो ना कैसे कर सकता हूँ? देखो अर्जुन, तुम दोनों के प्यार के बीच मैं बॉर्डर नहीं बनूंगा, उसी तरह तुम दोनों भी अपना बॉर्डर पार मत करो। पहले पढ़ाई पूरी करो फिर इन सब के बारे में सोचो। सर थैंक यू, सर थैंक यू सो मच सर। सॉरी सर, चलता हूं। हे मेरे भगवान, यू आर रियली ग्रेट। लखपति हो या फिर करोड़पति हो या फिर अरबपति ही क्यों ना हो, हर किसी की लव स्टोरी में तू किसी ना किसी मोड़ पर यू टर्न या रॉन्ग टर्न जैसा छोटा सा टर्निंग पॉइंट डाल ही देता है। लेकिन मेरी लव स्टोरी में एक ट्विस्ट भी डाले बिना मेरी चाहने वाली को गिफ्ट में दे दिया है। लाइफ में रेस होनी चाहिए, लव में चेस होना चाहिए। अगर ये दोनों ही ना हो तो लाइफ में मजा ही नहीं रहता। लव स्टोरी छोटी हो या फिर बड़ी हो, कोई ना कोई एक छोटा या बड़ा एक तो टर्निंग पॉइंट दे ही दे प्लीज भगवान। अगर मैं चाहूं तो आज अभी यहीं पर इसी वक्त तुम्हें खत्म कर सकता हूं, लेकिन मेरी बहन कहीं तेरी यादों में शॉक होकर कोमा में न चले जाए इस बात का डर है। फिर भी ये मत सोचना कि मैं तुम दोनों को मिलने दूंगा। याद रख कि कल से तू मेरी बहन को अवॉइड करेगा। तेरी वजह से वो परेशान होगी, तभी वो तेरे प्यार के रास्ते से बाहर आएगी। क्यों आश्चर्य हो रहा है कि मैं अचानक ऐसी बातें क्यों करने लग गया? कुछ देर पहले ही अपने बिजनेस पार्टनर मल्टी मिलियनर बिजनेस मैग्नेट मनोज वर्मा से वादा कर चुका हूँ। देख वहाँ गल्फ में जिसके पास तेल का कुआं है उसे छोड़कर
पेट्रोल के लिए हाथ फैलाने वाले एक भिखारी से मैं अपनी बहन की शादी करवाऊंगा ये सोच रखा है? इम्पॉसिबल। ससुर जी, मैं तुम्हें अपना ससुर बनाऊंगा, तुम्हारी बीवी को अपनी सास बनाऊंगा और तुम्हारी बहन को मेरी घरवाली बनाऊंगा, ये फिक्स कर चुका हूँ। मेरी होने वाली बीवी के तुम भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें भाई की जगह ससुर की इज्जत दूंगा और दोस्त बनकर साले की जगह दूंगा। ससुर बनो, मामा मत बनो। hey! बचपन में मेरे हाथ में गुड़िया थी, उसे छीनने वाले के गर्दन पर चाकू रखकर मैं उसे वापस लाया था। सोचो, बेजान गुड़िया के लिए चाकू पकड़ सकता हूँ तो मेरी होने वाली जिंदा गुड़िया को ऐसे ही छोड़ दूंगा, सर लुढ़का दूंगा। मेरी लव स्टोरी में थ्रिल नहीं है ऐसा मैं ऊपर वाले को कोस ही रहा था। तो सही टाइम पर तुमने एंट्री मारी है। तुमने तो सिर्फ मुझे एक ट्रेलर दिखाया है, लेकिन मैं जो फिल्म दिखाऊंगा उससे तुम्हारा बॉक्स ऑफिस जड़ से उखड़ जाएगा। तुम्हारे कहने पर तुम्हारे बहन के प्यार का त्याग करने वाला मैं कोई देवदास नहीं हूँ, चक्रव्यूह का भेद जाने बिना अंदर घुसने वाला अभिमन्यु भी नहीं हूँ, उसका बाप हो अर्जुन। प्यार के लिए हाथ फैलाने वाली इस लड़की को पल भर का भी टाइम मत देना, जरा सा भी गैप मिल जाए तो उसे मैं खुद उड़ा के ले जाऊंगा। आज इसे बता दो कि मैं भी क्या चीज हूँ। मैं हारने वालों में से नहीं और ना ही तुम्हें हारने दूंगा। भूल से भी मुझसे टकराने की हिम्मत मत करना, सब खत्म हो जाएगा। ओडिशा, आंध्र, तमिलनाडु, केरला, बिहार के गुंडों के बीच उसे छुपा कर रख दो। क्लाइमैक्स तक तुम अपना खेल खेलते रहना और मैं अपना खेल खेलता रहूंगा। अगर मैं चाहूं तो आज अभी यहीं पर इसी वक्त तुम्हें खत्म कर सकता हूं। याद रख कि कल से तू मेरी बहन को अवॉइड करेगा, तेरी वजह से वो परेशान होगी, तभी वो तेरे प्यार के रास्ते से बाहर आएगी। अर्जुन, अर्जुन क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ अर्जुन? तुम्हारे भाई का गिफ्ट है। क्या? गॉड गिफ्ट है, स्मॉल एक्सीडेंट। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हारे भाई का आशीर्वाद होते हुए मुझे क्या हो सकता है? You're 100% right, Arjun. हाँ, वो तो है। बच्चों को पेरेंट्स कितना भी प्यार कर लें, पर जब अपने प्यार का मामला आता है तो बाकी सब छोटा लगता है। लेकिन मेरे भैया ने मुझसे एक भी सवाल पूछे बिना मेरे प्यार को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। सच कह रही हूँ अर्जुन, मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसे भैया मिले। अर्जुन, तुम्हें पता है मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं? मैं छोटी थी तो कोई भी चीज मांगती थी वो झट से ले आते थे। अरे बस करो, बहुत हो गया। हाँ? किसी मेगा सीरियल की तरह चलती मत रहो। इस संसार में तुम्हारे भैया के अलावा और किसी के भैया नहीं है। अरे कब से देख रहा हूँ पुराने ग्रामोफोन की तरह बस बचती ही जा रही हो। मेरे घर की बातें तुम्हें जरूरी नहीं लगती? जरूरी नहीं, बोरिंग लगती हैं। आज अगर हमारा प्यार जीता है तो सिर्फ मेरे भैया की वजह से। वो मेरे प्यार को अपना लेंगे इसी उम्मीद से मैंने तुमसे प्यार किया। उनके बारे में जो भी कहना हो तो 10 बार सोच कर कहना। इस दुनिया में बहुत लोगों के भाई बहन होंगे लेकिन मेरे भैया जैसा कोई भी नहीं है। ऐसे भाई के लिए पुण्य करने पड़ते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखना तुम। हे रुको, नंदू, नंदू, नंदू कहाँ जा रही हो? नंदू, नंदू। कितना घमंड है इस लड़के में। गलती खुद की मगर एक कॉल नहीं किया, मैसेज तक नहीं किया मुझे। कोई बात नहीं, लवर्स चाहे कितना भी आपस में लड़ लें, आखिर में लड़के ही दुम हिलाते हुए आते हैं, लड़कियां कभी नहीं जाती। गुड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग भैया। क्यों बेटा, क्या हुआ? कॉलेज क्यों नहीं गई आज? नहीं भैया, मन नहीं कर रहा। अर्जुन वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा होगा। वो वेट कर रहा है इसलिए मैं चली जाऊँ? आपको पता नहीं वो बहुत घमंडी है। फिर से नोकझोंक हो गई। प्यार में ये सब मामूली बातें हैं, ज्यादा टेंशन मत ले। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, जाओ। अच्छे इंसान में जो चीजें होती हैं वो सब आप में हैं भैया, अर्जुन में वो नहीं है। मुझे नहीं जाना कॉलेज।
ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हाय नंदू। हाँ? तुम्हारे ये दो है ना, मुझे ही ढूंढ रहे हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए कुछ कहे बोले बिना कमर्शियल ब्रेक की तरह एंट्री दी है मैंने। कैसी लगी? ए नंदू, मेरी बात तो सुनो नंदू। चलो मानता हूँ मैंने तुम्हारे घर वालों के बारे में कुछ ज्यादा ही भूल दिया, ये भी मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब माफ भी कर दो प्लीज। माफी मांगता है तुम्हारा प्यार अर्जुन। ए ए ए नंदू, नंदू नंदू तू है? नंदू ये सही है क्या? क्या हुआ? जब मैं सो रहा था तब तुमने अपने बॉयफ्रेंड को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया पर मेरे साथ नहीं करवाया, ये सही है क्या? इतनी सी बात, चल तुझे भी मिलवा दूंगी। एक बात बताओ, तुमने रणधीराज जूनियर राजकुमार की फिल्म देखी है क्या? हाँ देखी है। क्यों? उसमें उन दोनों लवर्स को किसने मिलाया था? किसने? मास्टर मंजुनाथ ने। उसी तरह तुम्हारी लव स्टोरी अगले 100 साल तक चलने के लिए इस जूनियर मंजुनाथ का सपोर्ट लेना जरूरी है, इसलिए तुम अपने बॉयफ्रेंड के सारे डिटेल्स मुझे दे दो। मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में क्या कहूँ चिंटू, जितना भी कहूँ वो कम ही है, वो एक बहुत बड़ा दीवाना है, वो आगे आगे मैं उसके पीछे। सपनों पर मैं विश्वास नहीं करती थी और उसने सपने दिखा दिए। कभी अकेली नहीं रहती थी और उसके प्यार में दुनिया को भुलाकर बैठी रहती हूँ। तो फिर बैलेंस एक ही है क्या? वो क्या? डम डम डॉल रॉक एंड रोल। एक नंबर का पागल है तू। ए, क्या हुआ? पापा नीचे उतरिए, बताता हूँ। हे, कहाँ जा रहा है? अर्जेंट है पापा। हेलो। हाय रोमियो, क्या कर रहे हो? नंदू मैं पापा को गैरेज में ड्रॉप करने जा रहा हूँ। ओह, ससुर जी को ड्रॉप करने जा रहे हो? ससुर जी को? वो तुम्हारे पापा तो मेरे ससुर जी ही हुए ना। ए, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, मेरे पापा इंतजार कर रहे हैं, हमारे बारे में उन्हें पता चला तो समझो हो गया। फोन रखो मैं आता हूँ। पागल प्यार व्यार है क्या? पापा वो उस दिन स्पेशल क्लास के नाम पे कपड़े भी नहीं पहनने दिए, गैरेज में लाके पटक दिया, तभी समझ गया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। ये बता कि लड़की कौन है, नाम क्या है उसका, चुप क्यों है? बताना। नंदिनी है। मेरे ही कॉलेज की है पापा। पापा वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और तू? देख बेटा, ये सारे खेल मैं खेल चुका हूँ, तू मेरे सामने एक्टिंग मत कर। हाँ ये बता कि तू उससे सच्चा प्यार करता है या नहीं। बस पापा वो ए, बताएगा कि नहीं? मैं भी प्यार करता हूँ पापा। सुन सुन सुन। ससुर जी। ए, तू यहाँ क्यों आया है? अरे हमारे घर में अपने नहीं आएंगे तो और कौन आएगा ससुर जी? हमारे घर में? सपने में भी मत सोचना। हाँ ये बात भी सही है, अपना घर कहने के लिए मैं यहाँ पर घर जमाई बनके थोड़ी आया हूँ, कहीं दूर झोपड़े में ही सही मैं और नंदू चटनी रोटी खाकर आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ए, चल बाहर निकल। 2 मिनट और इंतजार कीजिए, मेरी वाली आते ही उसे लेकर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अभी तक तूने मेरा एक ही चेहरा देखा है। 4-5 चेहरे रखने के लिए आप कोई ब्रह्मा हो या फिर वक्रतुंड हो? उससे भी बढ़कर हूँ, रावण हूँ। अरे मजाक कर रहे हो ससुर जी, बचपन में स्कूल के ड्रामा में जो रावण का रोल किया था लगता है वो अब तक आप भूले नहीं हो। इसे मजाक मत समझना, देखना है मेरे 10 सिर। 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 सर क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आवाज निकालने का वक्त खत्म हो गया, अब नाटक शुरू करते हैं। नाटक? हाय अर्जुन। हे हाय नंदू। हाँ बेटा, अर्जुन तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है ना? सॉरी अर्जुन। इट्स ओके, ससुर जी बहुत अच्छी कंपनी दे रहे थे। ससुर जी? और नहीं तो क्या। अब ये बताओ ये तुम्हारे लिए भैया हैं या पिता के समान हैं? भैया पिता समान कैसे? मेरे लिए तो वैसे ही है, साले के रूप में ससुर जी। ऐसा? या आज इतनी जल्दी कैसे, स्पेशल क्लास है? भैया आज संडे है, मैं और अर्जुन नंदी हिल्स जा रहे हैं। नंदी हिल्स जा रहे हैं? जस्ट घूमने, शादी के बाद ऊटी या स्विट्जरलैंड में जरूर ले जाऊंगा। देखो बेटा, वो नंदी हिल्स दरअसल गुंडों से भरा हुआ इलाका है, तुम दोनों वहाँ जाओगे तो ये सुरक्षित नहीं होगा,
भैया मैं अकेली जाती तो प्रॉब्लम होती, पर मेरे साथ है ना ये अर्जुन, जब तक ये मेरे साथ है ना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके ओके ओके, बाय भैया बाय। अब फेस तो चेंज करो ससुर जी। आ हा हा, क्या रिएक्शन है। ओके डॉक्टर, कुछ हुआ तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आ जाऊंगा। तुम सबको कुछ नहीं हुआ है, फिर भी 8 दिन से एडमिट होकर यहाँ पर पड़े हो, आखिर कब जाओगे? 8 दिन ही नहीं, जब तक हमारी मर्जी होगी तब तक यहाँ रहेंगे। आते ही सारा बेड खाली मिलना चाहिए और हम लोग जो बोलेंगे वही तुम्हें पुलिस वाले को बोलना है, समझ गए ना? हाय रे मेरी किस्मत, कहाँ फंस गया हूँ मैं, चलो। अशोक भाई, भाई आप हुकुम करो तो 5-10 लोगों को उठा कर ले आएंगे। ये क्या है भाई, कोई नई डील? आपकी बहन की किडनैपिंग? क्यों भाई? पहले उसे किडनैप करो, किस लिए ये बाद में बताऊंगा। देखो उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये 1,00,000 रुपए रखो। ओके भाई, काम हो जाएगा। ये कहां चली गई? नंदो एक चूहे को नहीं पकड़ सकता है। चूहे को तो कभी भी पकड़ सकते हो, लेकिन इस शेर को नहीं पकड़ सकते। इस संसार में बहन को किडनैप करने वाले बहुत से लोग होंगे, लेकिन लवर का किडनैप करने वाला कोई लवर नहीं होगा। नंदू कहाँ पर है? भैया, हे अर्जुन, मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी। भैया पता है क्या हुआ? नंदी हिल से जब हम बाहर, छोड़ो ना, इन्हें सब पता है। आपको कैसे पता? एक्चुअली तुम्हारे अंदर आने से पहले मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। ठीक है नंदू, टाइम हो गया है, मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं चलूं। ओके बाय। चलूं ससुर जी, बाय। भैया भाभी कहाँ है? वो मंदिर गई है ना। ओह, मंदिर का नाम लिया तो याद आया। ये लीजिए भैया, नंदीग्राम का प्रसाद।
ये क्या है? मंदिर का प्रसाद है। सब मुझे प्रसाद देने वाले ही मिल रहे हैं। तू है तुम लोगों की सूरत पर, एक नहीं पांच नहीं दस लोगों को पलक झपकते उठा लाने वाले थे ना? किडनैपिंग से उसकी एक दिन सुरक्षा नहीं कर पाए तो जिंदगी भर क्या हिफाजत करोगे? ये बात मैं उसके दिमाग में बैठा कर उनके दिमाग खराब करने के लिए उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहता था। फिर अपनी बहन को उस कमीने से बहुत दूर ले जाऊंगा ये सोचा था। अब क्या करें भाई? तुम लोगों ने जो काम किया उससे वो हीरो बन गया है, उन दोनों का लव और स्ट्रांग हो गया है। तू मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। सोचो बेजान गुड़िया के लिए चाकू पकड़ सकता हूं तो मेरी होने वाली जिंदा गुड़िया को ऐसे ही छोड़ दूंगा? प्यार के लिए हाथ फैलाने वाली इस लड़के को पल भर का भी टाइम मत देना, जरा सा भी गैप मिल जाए तो उसे मैं खुद उड़ा के ले जाऊंगा। आज मेरा बर्थडे है ये तो मैं खुद ही भूल गई थी। भले ही तुम भूल जाओ बेटा, मगर मैं नहीं भूल सकता। इस बार तुम्हारा बर्थडे ग्रैंड तरीके से 5-स्टार होटल में सेलिब्रेट करने का सोचा है। ये सब करने की क्या जरूरत है भैया? देखो बेटा, अगले साल तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारा पति अर्जुन मौजूद रहेगा, हम में से कोई भी नहीं रहेगा। हमारे लिए यही लास्ट चांस है, इसलिए ग्रैंड सेलिब्रेशन। यस। आज शाम की पार्टी में तुम अपने सारे फ्रेंड्स और खास कर अर्जुन और उसकी फैमिली को वहां पर जरूर बुलाओगी, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि शाम की पार्टी में मैं तुम दोनों की शादी का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ठीक है भैया, ये बात मैं अर्जुन को बताकर आती हूँ। ओके। आशीर्वाद दीजिए अंकल। कौन हो बेटी? नंदिनी हो ना? हाँ अंकल। आपको कैसे पता? मेरा बेटा ना दिन हो रात हो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता रहता है। तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। अर्जुन कहाँ है? वो सुबह सुबह एक अर्जेंट काम से गैराज गया बेटा। मैं भी वही जा रहा हूँ, तुम भी चलो ना बेटा। ठीक है अंकल। चल। यह है हमारा गैराज। अर्जुन। हाँ? Happy birthday to you. अब मैं खा लेता हूँ। शाबाश। Thanks. मैं तुम्हें खुद ही लाकर सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुम तो यहाँ खुद ही चली आई। सॉरी मैम, हमारी कैपेसिटी इतनी है। तो शादी के बाद भी तुम ऐसे ही सेलिब्रेट करना। ओके। अरे जो बात करने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। अंकल आज शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है और आप दोनों को जरूर आना है। मेरी क्या जरूरत है, ये चला जाएगा ना? नहीं अंकल, आपको आना ही होगा, आप दोनों के लिए एक सरप्राइज भी है। हाय अर्जुन। हाय आंटी। कब आए? बस जस्ट अभी आया हूँ। ओके।
नंदिनी कहाँ है? वो घर से निकल चुकी है, बस आती ही होगी। ठीक है आंटी, मैं यहीं पर हूँ। कैसे हैं? Yes, of course. क्यों मेरे सपनों के दामाद यहाँ अकेले आए हो? समधी जी दिखाई नहीं दे रहे? वो गैरेज बंद करके आते ही होंगे। गैरेज? देखो पापा, ये क्या है पापा? क्यों अच्छा लग रहा हो ना? हमें भी सोसाइटी में हैसियत दिखाना पड़ता है बेटा, ठीक है ना? क्यों अर्जुन, यही है तुम्हारे पिताजी? हाँ सर, अर्जुन का एकमात्र फादर। क्यों, और लोगों के दो दो तीन तीन फादर होते हैं क्या? सर बहुत मजा किया है सर। ये लोग हंस रहे हैं मेरे जोक को सुनकर, नहीं तुम्हारे इस ड्रेस को देखकर। ए, जो भी दुश्मनी है वो हम दोनों के बीच ही रहने दो, बीच में पापा को लाने की जरूरत नहीं है। ए, जैसा धागा वैसी साड़ी, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा कहावत नहीं सुना है? हाँ? देख देख अपने बाप को। मेरा नाम जोकर, चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, सबको मिलाकर बनाया हुआ कार्टून कैरेक्टर लग रहा है तेरा बाप। हे, हमारे जैसे दौलतमंद लोगों की गाड़ियों को ग्रीस लगाकर जीने वाला एक साधारण रोड साइड मैकेनिक के साथ मैं अपना रिश्ता जोड़ूंगा? डोंट शाउट, सच बात सहन नहीं हो रही है ना? मेरी बहन का दिमाग खराब करके उससे शादी करके रातों रात करोड़पति बनने का पागलपन वाला सपना देख रहे हो? देखिए सर, मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें मत बोलिए आप। क्या कहेगा तू, क्या कहेगा मुझसे? ड्रेसिंग सेंस, कॉमन सेंस, पार्टी का नॉलेज, जरा सा भी जिसे नहीं आता उस लावारिस। अर्जुन, लोगों के सामने देवता समान मेरे भैया पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? रहने दो बेटा, छोड़ दो, बच्चा है। आप चुप रहिए भैया, तुम और तुम्हारे पापा अभी इसी वक्त अपनी गलती के लिए मेरे भैया से माफी मांगोगे। यही वो सरप्राइज है जो तुम मुझे देने वाली थी? बात को घुमाओ मत, माफी मांगो। नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। मांगते हो या नहीं? बहुत हो गया, आप चुप रहो। मुझे तुम जैसी 10 लड़कियां मिल जाएंगी और तुम्हें मुझ जैसे 50 लड़के मिल जाएंगे, समझे? लेकिन मेरे पिता जैसा इंसान मुझे करोड़ों में भी नहीं मिलेगा। तुम मेरे पापा के बारे में जानती ही क्या हो? Get lost! ए, जा रहा हूँ यहाँ से। इतना सब होने के बाद तुमसे शादी करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। चलिए पापा, बेटा मेरे पास, पापा, बेटा, पापा, बेटा, मेरी बात सुनिए पापा, चलिए यहाँ से, चलिए पापा, आप आइए पापा, नहीं मेरी बात, आप इनके सामने झुक रहे हो पापा, चलिए पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना है पापा, चलिए यहाँ से, पापा चलिए, बेटी इसे माफ कर दे बेटी, पापा चलिए पापा, बेटी। पापा, मेरे साथ जो हुआ भूल जा, तुझे बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। वो बहुत बड़े लोग हैं बेटा, छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते बेटा। आपसे बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है पापा, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता पापा। रही बात कल रात की, तो वो सब कुछ मैं भूल गया, आप उसके बारे में जरा भी मत सोचिए पापा।
अर्जुन, कल रात को जो कुछ हुआ वो जानकर बहुत दुख हुआ यार। फिर भी एक बात कहूंगा, आजकल के जमाने में माँ बाप प्यार को नापसंद कर देते हैं और फिर प्यार के लिए कई बार रिश्तों की बलि देनी पड़ती है यार। एक बार तू अपने पापा से। मेरे पापा के बारे में तुझे क्या पता है? हाँ, वो मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। शॉर्टकट में अगर कहूं तो इंसान के रूप में मेरे लिए वो भगवान है। जब मैं छोटा था तो मम्मी पापा के साथ जाते समय एक्सीडेंट हो गया था। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। सर में गहरी चोट आने की वजह से इस बच्चे के माँ बाप को नहीं बचा पाया, लेकिन ऊपर वाले की दया से ये बच्चा मौत के मुंह से भी वापस आ गया। नर्स, बच्चे को इन्हें सौंप दो। चाचा जी, छोटे चाचा, बुआ, उनके साथ साथ ये कीड़ा भी मर जाता तो अच्छा होता। अब इस मुसीबत को कौन पालेगा? विश्वा, तू एक काम कर, तू अकेला रहता है ना, तू इसे अपने साथ ले जा। मैं इसे क्यों ले जाऊं? अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। अगर मैं इसे अपने साथ रखूंगा तो कोई मुझे अपनी लड़की भी नहीं देगा। ये सरदर्दी मैं नहीं पालूंगा। देखो, हम दोनों से बढ़कर भैया बहना से प्यार करते थे। ये जिससे चाहती थी उस बिजनेसमैन से भैया ने इसकी शादी करवा दी, इसलिए इसे ही ले जाने के लिए बोलो। अरे ऐसे कैसे ले जाऊंगी? अगर इस मुसीबत को मैं ले गई तो मेरे सास ससुर पति सब मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं नहीं इसे ले जाऊंगी। वो नहीं ले जाएगी, तू नहीं ले जाएगा तो कौन ले जाएगा? देखो भैया, भैया के बाद अब इस घर में बड़े तुम ही हो, तुम ही इसे ले जाओ ना। अगर मैं ले गया तो मेरी बीवी मुझे निकाल देगी। भैया इस मुसीबत को आपको देखना होगा। कहा ना मैं नहीं ले जाऊंगा, तू ले जा। मैंने कहा ना मैं नहीं ले जाऊंगा। मेरी बात सुन, देख तुझे ले जाना नहीं, होगा। मैं नहीं ले जाऊंगा। अरे आप दोनों चुप हो जाइए, इसके लिए हम क्यों लड़े? ऐसे लावारिस के लिए अनाथ आश्रम बना है, इस मुसीबत को ले जाकर अनाथ आश्रम में डाल कर आओ। करेक्ट, अच्छा आइडिया है। किस अनाथ आश्रम में फेंकने ले जा रही हो बहन? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? वो अंदर तुम्हारे भाई बहन की लाश पड़ी है। अरे इस बच्चे की जिंदगी बच गई, खुश होने के बजाय इतने दुखी हो रहे हो तुम लोग। हाँ, वाह 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 वाह, रिश्तेदार हो तो तुम्हारी तरह। अरे लानत है तुम लोगों पर। क्यों रे जोरू के गुलाम, जब बिना कामकाज के गली गली भटकता था तब तो कोई नहीं आया था। उस वक्त तेरे भैया ने ही तुझे अच्छी नौकरी दिलाई, तेरे ससुर का पैर छूकर तेरी शादी करवाई, वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी ना? क्यों बहन, तुम तो जवानी के नशे में चूर होकर किसी दौलतमंद के पीछे पड़ गई थी। शादी के पहले जो नहीं करना चाहिए था वो सब भी कर दिया तूने। थू, बोलने में भी शर्म आती है। तब तुम्हारे भाई ने घर की इज्जत नीलाम ना हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो, उस लड़के के बाप के आगे हाथ पैर जोड़े मुमांगा दहेज दिया, उसकी वजह से आज तुम रानी की तरह रह रही हो और आज उनके ही बच्चे के साथ ऐसा कर रही हो। बोलो। हो इंजीनियर साहब, भूल गया, तुम्हारे लिए ही एक लड़की देखने जा रहे थे, रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। ए तेरी जिंदगी ही सवारने के लिए गए थे वो, अपनी ही जिंदगी खोकर चले आए हैं? अरे जरा भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या तुम लोगों के अंदर? हाँ, मैंने उन्हें कितनी बार समझाया, इन पर कभी विश्वास मत करना, तेरा साथ नहीं देंगे। ओहो, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बात नहीं सुनी, इस दुनिया से चला गया मेरा दोस्त। उस रामचंद्र का मैं दोस्त हूँ, जिंदा हूँ अभी, मैं मरा नहीं हूँ। अर्जुन को राजा राजा की तरह पालूंगा मैं। हाँ चलता हूं। चल बेटा। Thank you.
सॉरी अर्जुन, तेरे पास्ट के बारे में जाने बिना ही मैंने इतना सब कह दिया और तेरे दिल को मैंने काफी ठेस पहुंचा दी। तेरे पापा सच में एक अच्छे इंसान है, तू बहुत किस्मत वाला है यार। टाइमिंग सेंस नहीं, नॉन सेंस हो तुम लोग। प्रोग्राम में सिर्फ एक हफ्ता बचा है, तुम लोग जैसा कर रहे हो मुझे अपना ही सर फोड़ना पड़ेगा। अगर आज से तुम लोग टाइम पर नहीं पहुंचे तो याद रखना, ओके? सॉरी सर। मैं तुम लोगों को कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं एक मास्टर हूँ, अगर तुम लोगों ने मेरा प्रोग्राम बर्बाद किया तो मैं एक एक को उल्टा लटका दूंगा, समझे? मैडम, एक्सक्यूज मी सर। नॉनसेंस। देखो बेटा जूलियट, तुम इस तरह रिहर्सल में लेट आओगी तो हमारा प्रोग्राम कैसे तैयार होगा बताओ। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जूलियट के लिए, आप किसी और को चूज कर लीजिए। मजाक कर रही हो क्या तुम मुझसे? प्रोग्राम का दिन नजदीक आ रहा है और तुम बोल रही हो कि जूलियट किसी और को ढूंढ लो। देखो अगर ये बात अर्जुन ने कही होती तो एक बार मैं मान भी लेता, क्योंकि रोमियो तो मैं कर सकता हूँ लेकिन जूलियट कहाँ से करूंगा, क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ, समझ गई? आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं सर, हैं? आप जूलियट नहीं बन सकते। हाँ बिल्कुल, रोमियो का रोल आप ही कीजिए सर। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मैंने तो मजाक में कही थी। लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ सर। अरे बाप रे, रोमियो और जूलियट दोनों ने जहर पी थी लेकिन तुम दोनों मिलकर मुझे जिंदा चिता पलटा रहे हो, क्यों? डोंट वरी सर, ये रोमियो का रोल नहीं करेगा तो जूलियट का रोल मैं ही करूंगी। अरे बाप रे, अब जाकर मेरी आधी जान लौटी है। वेरी गुड। ए अर्जुन, अर्जुन चला गया। तुम में से कोई रोमियो करना चाहेगा? देखो जूलियट, इनमें से किसी एक को तैयार करने में दो दिन लगेंगे, रिहर्सल कल से शुरू होगी, तुम जाओ। ठीक है सर। सर सर प्लीज सर, फाड़ दूंगा। चुप चुप बैठ ना। मैं करूंगा, सब तैयार हो गए उसके जाने के बाद। हे अर्जुन ने स्टूडेंट्स लीडर बनने के बाद स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा काम किया ये तो सभी जानते ही है ना। फिर फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए, शोले के अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की तरह, जो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते थे। इंद्रधनुष फिल्म में डॉक्टर राजकुमार और आनंद के जैसी होनी चाहिए, समझ गए? अरे उनकी दोस्ती को भुलाकर तुम सबके साथ दो लवर्स को अलग करने में लगे हुए हो। मैं करूंगा। सॉरी सर। हाँ ठीक है, खड़े क्यों हो? सर अर्जुन और नंदिनी को एक करने की कोई आइडिया सोचिए ना सर। मैं एक मास्टर हूँ बेटा, तू मुझे क्या समझा रहा है? कोई आइडिया सोचो ना सर जी। हाँ ओके। दरवाजा बंद क्यों कर दिया? खोलो। अरे खोलना। अरे कम ऑन यार, रवि क्या कर रहा है? हेलो, मुझसे बात करने के लिए तुमने ये प्लान बनाया और अब अनजान बनने का नाटक कर रहे हो मेरे सामने? किससे कह रही हो मैडम? ऐसा कोई भी सीन नहीं है। नाटक में जूलियट बनी हो तो रियल लाइफ में जूलियट मत बनो, समझी? ऐसा कोई सीन नहीं है तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जिस चुड़ैल से पीछा छूट गया है उसे फिर से अपना कर, मुझे गलती नहीं करनी है। मुझे पता है कि तुमने ही मुझे बुलाया है। ए, मैंने नहीं बुलाया। तुमने बुलाया है। तूने बुलाया है मुझे। तुमने बुलाया। मैंने कहा ना मैंने नहीं बुलाया। तुम धोखेबाज। मैं कोई पागल नहीं हूँ। शांत। ना तुमने बुलाया ना तुमने बुलाया, मैंने बुलाया है। आपने? यस, वन एंड ओनली साधु। तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? पहले वो बको। क्या बको? बको? ओके ओके। देखो बेटा नंदू, लव का मतलब क्या होता है? क्या है लव का मतलब? हार्ट का हार्ट से कनेक्शन। लव का मतलब फैमिली का फैमिली से सेलिब्रेशन। लव है इमोशन और बॉयज का लूज मोशन, नाइस रिएक्शन। यू नो मुझे पता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए जो कहना है वो हिंदी में कहिए प्लीज। देश की भाषा में चलता हूँ, ठीक है ना? नंदू अर्जुन सी, तुम दोनों लवर्स हो। सुनो बात सुनो, कल थे आज नहीं हो, क्यों नहीं हो ये सवाल है। अब एक काम करो, तुम्हारे दिल में क्या है तुम मेरे कान में कहो, मैं इसे बता दूंगा। और तुम्हारे दिल में क्या है मेरे कान में कहो, मैं इसे बता दूंगा। ओके ओके, लेडीज फर्स्ट स्टार्ट। शट अप लोफर। आपको नहीं सर, इसे कहा। अच्छा, चुपचाप निकल डायन। ए, क्या कर लेगी तू? अरे तू मेंटल है, एक नंबर की मेंटल। तुझ जैसे हजारों को देख चुका हूँ, तुझ में तो दिमाग ही नहीं है। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे, मैं नहीं लगता तेरे से। चल निकल यहाँ से, जा। अरे आई मुझे सिखाने, कौन लगती है तू? हाँ
चित्रा, नंदिनी तू कुछ भी बोल, अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है। देख चित्रा, अर्जुन का नाम भी मत लेना, का नाम सुन के दिमाग खराब हो जाता है। अब वो मेरी लाइफ में कभी एंट्री नहीं लेगा। पर एक बार मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू फोन रख। हेलो सर, मैं ठीक हूँ सर, आप? हाँ सर, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। इस बारे में मुझे फोर्स मत कीजिए सर, मेरी बहन की खुशी ही मेरी खुशी है, मैं अपनी बहन के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इस बारे में नहीं सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आई एम सॉरी सर। भैया किसका फोन था भैया? मनोज वर्मा थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अपनी कंपनी के ब्रांच को अब्रॉड में ओपन करने जा रहा हूँ इन्हीं की मदद से। बहुत अच्छा लड़का है ये, अभी फ़ोन में मुझसे वही बात कर रहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। पहले भी कहा था लेकिन तब मुझे पता चला तुम अर्जुन से प्यार करती हो, मैंने इनसे सॉरी कह दिया था। मेरा सब कुछ तो तुम ही हो ना? मेरा भी सब कुछ आप हैं भैया, मैं जानती हूँ भैया आप जो भी करेंगे मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। मेरी सिलेक्शन तो रॉन्ग हो गई लेकिन आपकी सिलेक्शन राइट ही होगी, मेरे भैया कभी नहीं हारेंगे। आप मेरी शादी तय कर दीजिए। सर ये ड्रेस अच्छा है ना? बंदरिया लगोगी बिल्कुल। सर और ये देखो बेटा, हम लोग रोमियो जूलियट नाटक कर रहे हैं, कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं। लेकर जाओ इसे, ले जा, ले जा, गो। तू यहीं रुक भाई, कहाँ जा रहा है? यहाँ आ जा। क्या बेटा, ये कोई समय है प्रैक्टिस पर आने का? ठीक है जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, जाओ। सर मैं प्रैक्टिस तभी करूंगी जब वो बाहर जाएगा। कॉलेज उसके भाई का है क्या? पूछिए सर। मेरे भैया तक मत पहुंच वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेगी तू? तू चाहता क्या है? मैं क्या चाहती है? देख मैं बोल रही हूं। मेरी बात सुनो अर्जुन, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरे लिए बाहर चला जा भाई, जा। आप कह रहे हो इसलिए जा रहा हूँ सर। अब मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून, प्रैक्टिस शुरू करें? ठीक है सर। हाँ तो मिस्टर रोमियो, तुम जाकर अपने पोजीशन पे खड़े हो जाओ, जाओ जाओ जाओ, तुम यहाँ सेंटर में आओ, चेहरा सामने करो। ओके अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रोमियो पीछे से आकर तुमसे लिपट जाता है। ओके सर। लिपटने के बाद वो तुमसे प्यार से बोलेगा आई लव यू, फिर तुम भी उसे प्यार से बोल देना, ठीक है? ओके सर। रेडी? रेडी सर। ओके, क्लोज योर आइज, लाइट्स ऑफ। रोमियो रेडी? रेडी सर। लाइट्स ऑन, एक्शन। I love you, Juliet. I do love you, Romeo. तुम हो? हाँ मैं हूँ मेरी जान, तेरा रोमियो। You rascal! Hey, 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 विकास तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम बाहर जाओ, जा, जा, hey, मेरी बात सुनो, यहाँ प्रैक्टिस चल रही है, तुम बाहर जाओ, जा, 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 बाहर जा। चल। विकास ऐसे परेशान मत करो, तुम बाहर जाओ। उठा के फेंको इसे बाहर। ए विकास, विकास ये ठीक नहीं है। इन सब को बाहर निकालो। ए चलो बाहर निकलो, चलो। ए बड़ो बड़ो निकलो यहाँ से। तूने ही अर्जुन को मेरे खिलाफ खड़ा किया था ना? मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगा। चल किस कर, अगर तू नहीं करेगी तो मैं खुद कर लूंगा। देश की रखवाली के लिए महानायक, सेना की रखवाली के लिए सेनानायक और प्रजा की रखवाली के लिए एक राजा, उसी तरह कॉलेज के स्टूडेंट्स की रखवाली करने के लिए स्टूडेंट लीडर जिंदा है। Hey!
तू अपने आप को स्टूडेंट कहता है? कॉलेज लाइफ का मतलब गोल्डन लाइफ होता है, एंजॉय कर उसे। तूने विद्या मंदिर को समझ के क्या रखा है? अरे यहाँ सिर्फ विद्या ही नहीं, दोस्ती, प्यार, विश्वास, भरोसा, एकता, परिश्रम, गुरु भक्ति, देशभक्ति, इतना ही नहीं, हमारे अपनों के बारे में सोचने के लिए और हमारे आज और कल के भविष्य को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सीख मिलती है। ये कोई आवारागर्दी का अड्डा नहीं है। और तू ऐसे में इस तरह गुरुकुल के अंदर बाहर से दो कौड़ी के चिंदी चोर आवारा गुंडे लाकर गुंडागर्दी करता है, शर्म नहीं आती तुझे? तू क्या सोचता है, पैसा है तो तू सब कुछ कर लेगा? अब समझ में आया कि तेरे पैसों की पावर क्या है? पावरफुल चार पंच खाते, पैसा देने वाले जिए या मरे हम अपनी जान बचाते हैं ये सोचकर यहाँ से भाग जाते हैं। उनकी जिंदगी ही वही है, सीना चीर कर देखोगे तो वफा की खुशबू नहीं मिलेगी। लेकिन तू एक पढ़ा लिखा इंसान है, तेरा फर्ज है चार लोगों को अच्छी बातें सिखाना, तो उल्टा इस तरह का घटिया काम करके तू खुद को शरीफ बोलता है? बोल। I'm sorry, अर्जुन, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इट्स ओके, लेट्स होप फॉर गुड। I'm sorry, Nandini. It's okay. Hey, शाबाश, very good, अर्जुन, तुमने विकास को चेंज कर दिया और लड़की को बचा लिया। Good. मैंने वो सोच कर नहीं बचाया सर, है? उसकी जगह अगर कोई और होता ना, है? तो भी मैं वही करता। उस दिन फोन पर जिससे बातें कर रहा था, मनोज वर्मा, मेरे बिजनेस पार्टनर। हाय नंदनी। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। हे, आई टोल्ड यू नो, ही इज माय फियांसे, मनोज वर्मा। हेलो नंदू, जाओ इनके साथ। ठीक है भैया, प्लीज कम। क्या बात है अभिमन्यु? नहीं, उसका बाप अर्जुन। जरा सा गैप मिलते ही मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र बांधेगा कहा था ना? हाँ? गैप नहीं, इनविटेशन देता हूं, आ जा। वहां जो उखाड़ सकता है ना, उखाड़। Yeah, that's nice. How is it? It's nice. Good, na? Go and change it. Wow. So beautiful. Excuse me. Manoj, tell me. I'm so sorry. Nandu? Huh? Come. I'm really, really so happy. सच में मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। वैसे ये है कौन? मैं और नंदनी जहाँ भी जाते हैं,
ये हमें फॉलो करता रहता है। ये वो नंदिनी का क्लासमेट है, हमेशा नंदिनी के पीछे पड़ा रहता है। कॉलेज लाइफ में ये सब चीजें होती रहती हैं। वन साइड लव। दैट्स राइट। हे, उन दोनों की हिस्ट्री, फ्लैशबैक, सब मुझे चाहिए। ओके सर। वेरी टेस्टी। अब तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। यस। एक्सक्यूज मी नंदू, ये क्या है बेटा? कल होने वाले गोल्डन जुबली फंक्शन में तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगी, ऐसी चिट्ठी लिख के भिजवाई हो? माफ कीजिएगा सर, नंदू की शादी फिक्स हो गई है। हा? अब हम इसे कहीं नहीं भेज सकते, यही होने वाला दूल्हा। नमस्कार। नमस्कार। भगवान के लिए जरा इन्हें समझाइए, कल कॉलेज में फंक्शन है और हमारे पास टाइम नहीं है। भैया, कॉलेज के स्टूडेंट होने के नाते कॉलेज की इज्जत बचाना मेरा कर्तव्य है। नहीं हो सकता। ओके। नंदिनी के खातिर, आपके खातिर मैं खुद इसे कॉलेज के फंक्शन में लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। हे, अरे क्या हुआ? सब लोग अपना चेहरा लटका कर इस तरह बैठे क्यों? नंदिनी की उस दुबई वाले लड़के के साथ एंगेजमेंट हो गई है और तो शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। एंगेजमेंट फिक्स होकर उसकी शादी फिक्स होने तक वो उसकी पत्नी बन गई क्या? तुझे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है क्या? शादी के लिए सिर्फ 3 ही दिन बाकी है। मेरा प्यार ही मेरा कॉन्फिडेंस है। उसे मंगलसूत्र बांधने के लिए 3 दिन नहीं, 3 सेकंड्स ही काफी हैं। उसका भाई मुझे चमाट लगाने के लिए शादी की डेट फिक्स करके इंतजार में बैठा हुआ है, लेकिन उस ब्रह्मा ने हम दोनों का रिश्ता पहले फिक्स किया है। उसे कोई भी माई का लाल तोड़ नहीं सकता। लाइफ में हो या लव में हो, एक कॉम्पिटिशन में उतरने के बाद रनर नहीं बनना है, विनर बनना है। Yes! Wow! Great shot! Thank you. Mr. Ravi, जैसा कि आपने कहा था, आपकी बहन का वन साइड लव नहीं है, इट्स अ टू साइड लव। सर, आई नो एवरीथिंग। चाहे कुछ भी कर लो, फर्स्ट लव को भुलाया नहीं जा सकता, आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। यू डोंट वरी सर, कल वो फंक्शन में ना आ पाए ऐसी मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। इन केस वो चक्रव्यूह तोड़कर वहां पहुंच भी गया तो मैं उसे वहीं पर खत्म करवा दूंगा। दैट्स नाइस। नमस्ते, 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 नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर, आइए आइए। आप सबको मेरा नमस्कार। इसी कॉलेज में मैंने अपनी भी पढ़ाई पूरी की है। मुझे इस विद्या मंदिर के स्वर्ण महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हर विद्या मंदिर में हजारों बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर उनसे कोई पूछता है कि उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था, तो वो यही बोलते हैं कि कॉलेज लाइफ। माय कॉलेज लाइफ वाज अ गोल्डन लाइफ। हम अपनी कॉलेज लाइफ में छोटी मोटी शरारतें, झगड़े, दोस्ती, प्यार, डेस्क बेंच पर बनाए हुए चित्र, ये सब हर कॉलेज में होता है, इसीलिए इसे कहते हैं कॉलेज लाइफ, The collage of colors। चूंकि कलर्स की बात आई है तो लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी सुन लें, क्योंकि हकीकत जान लेनी चाहिए। इसीलिए आई मस्ट कन्फेस, मैंने भी अपने जीवन साथी को इसी कॉलेज में चुना था।
जहर पीने के लिए ना ही तुम जूलियट हो और उसे देखकर चुप रहने वाला मैं रोमियो भी नहीं हूं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, I hate tragedy love stories। चलो अक्षत डालो। Plan success. Thank you, Vikas. Good luck. अरे नहीं बच्चे, उठो उठो उठो। क्या हुआ भैया? गुस्सा आ रहा है? आपका सारा प्लान मुझे पहले से ही पता था भैया। आपकी बहन का वन साइड लव नहीं है, इट्स टू साइड लव। वो सर, आई नो एवरीथिंग। उन दोनों प्रेमियों को अलग करने के लिए आपने गेम खेला है, मुझे सब पता है। कल वो फंक्शन में ना आ पाए ऐसे में सारी व्यवस्था कर दूंगा। इन केस वो चक्रव्यूह तोड़कर वहां पहुंच भी गया तो मैं उसे वहीं पर खत्म करवाऊंगा। सब लोग मिलकर नाटक कर रहे हो, जो मुझे नहीं मिला वो किसी को मिलने नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर, क्या है ये सब? ये आदमी की इंटरनेशनल फ्रॉड है। सुंदर लड़कियों से शादी करके उन्हें अब्रॉड में बेच देता है ये। इनका बहुत बड़ा गैंग है और उसका लीडर ये है। पुलिस को इसकी बहुत दिनों से तलाश थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर ही हम इसे यहाँ पकड़ने के लिए आए हैं। आज इसे रंगे हाथों हमने पकड़ा है। मिस्टर प्रसाद, ले चलो इसे। ए चल, ए चल, चल, चल। जैसे हर बड़ा भाई सोचता है कि अपनी बहन की शादी किसी अच्छे घर में करवाऊं ताकि वो हमेशा खुश रहे, लेकिन मेरा सिलेक्शन गलत निकला। वो इतना गंदा इंसान है ये मुझे नहीं पता था। आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन आज मैं खुश भी बहुत ज्यादा हूं क्योंकि तुमने बिल्कुल सही लड़का चुना है। मेरी बहन का पूरा ख्याल रखना जीजू। क्या कहा जीजू? ससुर की जगह खड़ा होकर साला विदाई दे रहा है। इस साल का कॉलेज फंक्शन यादगार हो गया। इस दुनिया में सबको प्यार नहीं मिलता, सभी प्यार करने वाले प्रेमी भी नहीं होते। प्रेमी बन भी गए तो शादी नहीं होती, लेकिन तुमने शादी करके अपने प्यार को बचा लिया। तुम लोग तो असली जिंदगी के हीरो हीरोइन हो।